तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के सबसे बड़े गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए चलते हैं। साल 2015 में अपने विरोधी संदीप गाडोली को फंसाने के लिए गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने अपने गुर्गे अशोक की हत्या कर दी थी। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा 19 दिसंबर को मुंबई जेल में रिमांड पर लाए गए बिंदर गुज्जर ने यह खुलासा किया है। रविवार को रिमांड पर होने के बाद एसटीएफ ने बिंदर गुज्जर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान गैंगस्टर ने 10 हत्या समेत एक हत्या का प्रयास व रंगदारी के मामले का खुलासा किया है। एसटीएफ ने इन सभी मामलों की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक इन सभी मामलों में कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। बिंदर गुज्जर से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पूरी योजना बनाकर अशोक को अपने साथ दिल्ली ले गया था। वापस आने के बाद उसने ही अशोक को गोली मारी थी। इस मामले में गैंगस्टर संदीप गाडोली का हाथ होने का अशोक के परिजनों को यकीन दिलाया था। साजिश के तहत ही उसने संदीप व उसके गुर्गे के खिलाफ अशोक के परिजनों से केस दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की रात को अशोक की हत्या ने बाद अगले ही दिन गैंगस्टर संदीप गाडोली के गुर्गे मनीष खुराना पर जानलेवा हमला होने के साथ ही गैंगवार शुरू हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने दोनों गैंग पर लगाम कसने के लिए सख्ती शुरू कर दी थी, और इन गैंगस्टरों की खोज शुरू थी। यह गैंगस्टर अशोक की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा मुंबई गई थी, जहां गैंगस्टर संदीप गाडोली का एनकाउंटर हो गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस एनकाउंटर करने वाली गुरुग्राम अपराध शाखा की टीम के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंबई पुलिस की पूछताछ के दौरान पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस बिंदर गुज्जर को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई थी। इसके बाद से ही बिंदर मुंबई जेल में बंद था, जहां से एचटीएफ उसे 19 दिसंबर को गुरुग्राम लेकर पहुंची और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर उसके खिलाफ 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। गुड़गांव में गैंगवार 10 लाख में दी गैंगस्टर गुज्जर की हत्या की सुपारी। गुड़गांव के न्यू कॉलोनी मोड़ पर हुई जेल में बंद बिंदर गुज्जर के बड़े भाई पप्पू गुज्जर के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में मृतक गैंगस्टर संदीप ने भाई मास्टर ब्रह्म प्रकाश और उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बिंदर गुज्जर का गैंगवार इतना खतरनाक था कि हरियाणा के अंदर इसने आतंक मचा रखा था। अब बिंदर गुज्जर पुलिस की गिरफ्त के अंदर है और जेल में बंद है। तो दोस्तों, ऐसी और गैंगस्टरों की वीडियो देखने के लिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस गैंगस्टर के बारे में कौन सी चीज़ जाननी है।